बीजेपी जीत की होली मना रही है, लेकिन हार का स्वाद चखने के बाद विरोधियों की होली कैसी है जरा सोचिए। हार के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव किस मन से होली मनाएंगे? क्या कहकर हार को भुला रहे होंगे? क्या कहकर अपनों को मना रहे होंगे? हार गए लेकिन बुरा ना मानो, होली है। जी को भरोसा था कि अब की बार हाथी की सरकार बनेगी। अब की बार यूपी में ना साइकिल दौड़ेगी ना कमल खिलेगा, चाहे जो हो जैसा हो, पब्लिक का साथ सिर्फ और सिर्फ हाथी को मिलेगा। लेकिन मोदी की सुनामी ने ऐसी मायावी चाल चली कि हाथी सुन्न हो गया। यूपी में हाथी के पांव ऐसे जाम हुए कि 403 में से सिर्फ 19 कदम ही चल पाया बेचारा हाथी। सत्ता का सफर 19 में ही सिमट गया। अब दिल तड़प रहा है, आहें निकल रही हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। हार बड़ी बेदर्द है, अब दुश्मनों की जीत रास नहीं आ रही, लिहाजा जीत में भी सियासी गुड़ा भाग लग रहे हैं। जो साथ हैं उनसे मंथन कर हाथी की हार की वजह तलाशी गई। माया कहती है हाथी हारा नहीं, मशीन ने हरा दिया। किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए। वैसे एक माया की हार कहीं नहीं होती, जिसे लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन यूपी की माया कमल से हार गई। अब विरोधी दिल्ली से यूपी की माया का हाल पूछ रहे हैं। माया को होली पर विरोध की नहीं, हार की कविताएं सुनाई जा रही हैं, व्यंग के बाण चल रहे हैं, हाल पूछकर हालत पतली की जा रही है। बुआ जी की हालत बबुआ जैसी ही, बस कहते नहीं बन रहा। दिन मोदी ने ऐसे दिखाए हैं, 11 मार्च को एक साथ कई इतिहास बनाए, इसलिए प्लान बी बना था। आज बुआ जी से थी, सोचा था वक्त पर बुआ से मदद लेंगे, लेकिन बुआ वफा कर पाती, इससे पहले यूपी में हाथी बेवफा हो गया।